उस वेब सीरीज को देख करके कुछ प्रभावित थे और उसमें कुछ किरदारों को देख करके असल जिंदगी में उस किरदार को निभाना चाहते थे। देखिए इन चेहरों को, ये मिर्जापुर वेब सीरीज से इतना ज्यादा प्रोत्साहित हो गए कि बनने चले थे गुड्डू भैया, कालीन भैया। बकायदा उनके डायलॉग की तरह जो था, अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। लेकिन अफसोस, औरैया पुलिस ने इनका गुड्डू भैया, कालीन भैया वाला नशा एक जोरदार कंटाप में ही उतार दिया। तभी तो इनका ये मासूम सा रूप कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं। लेकिन इनके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। हुआ यूं कि यूपी के औरैया कोतवाली क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने अवैध वसूली और दबंगई की शिकायत भी पुलिस से की थी। फिर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो के आधार पर प्रांशु चौबे, राममू पांडे, माधव तोमर, विकास, राजदीप के रूप में मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान की गई। इनके बारे में जानकारी की गई तो कई आपराधिक बातें पुलिस को पता चली। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो 32 बोर की 2 पिस्टल बरामद हुई, साथ में कारतूस भी मिले। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि वेब सीरीज मिर्जापुर से ये सभी प्रभावित थे। वेब सीरीज के कुछ किरदारों की तरह जिंदगी जीना चाहते थे। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा भी बरामद हुआ। हाईवे के पास एक लड़के को बहुत बेरहमी से 5-6 लड़के मिलकर के मारपीट कर रहे थे। उसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए जब इसमें और छानबीन की गई थी तो इसमें हमें 3 अलग अलग जो वादी हैं वो प्रकाश में आए। एक राहुल राजपूत, राहुल चतुर्वेदी और रितिक शुक्ला, इन सब ने एक तहरीर दी अलग अलग और उसमें बताया कि कुछ लोग इनसे रंगदारी वसूलते हैं होटल चलाने के नाम पे, ढाबा चलाने के नाम पे, और ना देने पर इनकी पिटाई, मार पिटाई और अलग अलग तरीके से इनको लगातार धमकियाँ दी जाती थी। इनके बारे में और छानबीन करी गई तो इन सबका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास सामने आया और साथ में ये भी पता चला है कि इनके पास अवैध असले रहते थे जिससे लोगों को ये डराते धमकाते थे। इसी मुकदमे के आधार पर जब जांच पड़ताल की तो हम लोग को ये 2 पिस्टल इसमें बरामद हुई हैं 32 बोर की, साथ में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो एक वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर की आई थी उस वेब सीरीज़ को देख करके ये कुछ प्रभावित थे और उसमें कुछ किरदारों को देख करके असल ज़िंदगी में उस किरदार को निभाना चाहते थे, पर और ये पुलिस द्वारा इनके इस कारनामे को विफल किया गया। अब क्या है कि बबुआ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर बहुत है। वहाँ पुलिस वाले बाद में गुड्डू भैया के पास आकर ऑटोग्राफ लेते हैं, यहाँ यूपी पुलिस तो आप जानते ही हैं कि तबीयत से ऑटोग्राफ देती है, तो अच्छा है जल्दी समझ आ जाए, बाकी तो फिर इलाज होगा ही। और आइए से सूर्य शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।